अंबर इंटरप्राइजेस में 11% की बड़ी गिरावट, मुनाफे के लिए ऐसे बनाएं स्ट्रेटजी। अंबर ग्रुप की अंबर इंटरप्राइजेस के शेयरों में आज भारी गिरावट का दबाव दिखा। सितंबर तिमाही के कमजोर नतीजे के चलते शेयरों की बिकवाली शुरू हो गई। इस कारण इंट्राडे में बीएसई पर यह करीब 11% फिसलकर 2712.10 रुपए पर आ गया। दिन के आखिर में यह 8.71% की कमजोरी के साथ 2785.75 रुपए के भाव पर बंद हुआ है। पिछले महीने 7 सितंबर 2023 को यह एक साल के हाई 3149.95 रुपए पर था और इस लेवल से फिलहाल यह 10% से भी ज्यादा नीचे है। कैसी रही अंबर इंटरप्राइजेस के लिए सितंबर तिमाही? अंबर एंटरप्राइजेस का सितंबर तिमाही में कंसोलिडेटेड ऑपरेशनल रेवेन्यू सालाना आधार पर 24% उछलकर 927 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। सेगमेंट वाइज की बात करें तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू कंज्यूमर ड्यूरेबल्स से इसे मिला और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स और फिर रेलवे सबसिस्टम्स से। सितंबर तिमाही में अंबर एंटरप्राइजेस का नेट लॉस सालाना आधार पर 2.2 करोड़ रुपए से बढ़कर 5.6 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। इसकी कंसोलिडेटेड टोटल इनकम 23% बढ़कर 940 करोड़ रुपए पर पहुंच गई, लेकिन स्टैंड लोन टोटल इनकम 36% उछलकर 463 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। ऑपरेटिंग एबिटडा भी सितंबर तिमाही में सालाना आधार पर 52 करोड़ रुपए से 25% उछलकर 65 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। क्या है ब्रोकरेज का रुझान? अंबर एंटरप्राइजेस स्प्लिट और विंडो एसी, हीट एक्सचेंजर्स, मल्टी फ्लो कंडेंसर्स, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और माइक्रोवेव इत्यादि बेचती है। शेयर खान ने इसे खरीदारी की रेटिंग दी है। ब्रोकरेज फर्म के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-26 के बीच इसका रेवेन्यू 17% और शुद्ध मुनाफा 37% की चक्रवृद्धि दर CAGR से बढ़ सकता है। ब्रोकरेज ने आने वाले वर्षों में कोई बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर न होने, कर्ज में गिरावट और बढ़ती प्रॉफिटेबिलिटी के चलते रिटर्न रेशियो और कैश फ्लो में सुधार का अनुमान लगाया है। हालिया नोट में वैश्विक ब्रोकरेज फर्म जेफ्रीज ने इसे खरीदारी की रेटिंग दी थी। ब्रोकरेज के मुताबिक बैकवर्ड इंटीग्रेशन के चलते इसका मार्जिन बढ़ेगा। जेफ्रीज ने इसमें निवेश के लिए 3,740 रुपए का टारगेट फिक्स किया है। moneycontrol.com पर दिए गए सलाह या विचार एक्सपर्ट्स ब्रोकरेज फर्म के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले हमेशा सर्टिफाइड एक्सपर्ट्स की सलाह लें।